सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा क्षेत्र के समायोजन रद्द होने पर पूर्व सरकार को घेरा। योगी ने कहा कि शिक्षा मित्रों के समायोजन में ही गलती थी। योगी आदित्यनाथ ने साथ ही शिक्षा मित्रों से अपील करते हुए कहा कि सरकार विचार कर रही है, शिक्षा मित्र सड़क पर तोड़फोड़ न करें और न ही किसी के बहकावे में आएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साथ ही पूर्व सीएम अखिलेश पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पता नहीं कैसे अखिलेश अपने पिता पर प्रश्न उठा रहे हैं, जबकि मुलायम सिंह यादव उनके भाग्य विधाता हैं। विपक्ष पर हमला बोलते हुए योगी ने कहा कि बहुत सारे लोग अपने को किसान का पुत्र कहते हैं, किसान नेता कहते हैं, लेकिन सही मायनों में इस सरकार ने काम किया है। आजमगढ़ पहुंचे सपा नेता शिवपाल ने बसपा के साथ गठबंधन पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश में सेक्युलर सरकार के लिए लोकसभा चुनाव से पहले बसपा के साथ गठबंधन पर विचार किया जा सकता है। शिवपाल ने साथ ही पार्टी में विवाद पर कहा कि रामगोपाल और अखिलेश के सुधरने का समय दिया गया है, यदि कोई सुधार नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी सेक्युलर मोर्चे का गठन किया जाएगा। शिवपाल ने योगी सरकार के गड्ढा मुक्त अभियान पर चुटकी ली। शिवपाल ने कहा कि प्रदेश में कोई सड़क गड्ढा मुक्त नहीं हुई है। सपा नेता आजम खान ने नीतीश कुमार पर तंज कसा। आजम ने कहा कि ये नीतीश जी का तीसरा त्याग है, उनके जीवन में त्याग ही त्याग है, कुर्बानी ही कुर्बानी है। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने वक्फ की जमीन बेचने के इल्जाम में मुलतवी मोहसिन रजा को बर्खास्त कर दिया। मोहसिन प्रदेश में वक्फ एवं हज विभाग के राज्य मंत्री भी हैं। बलरामपुर में सपा नेता एसपी यादव ने नीतीश कुमार पर जमकर तंज कसे। एसपी सिंह ने कहा कि नीतीश सत्ता के लालची हैं, उनके चले जाने से महागठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बिहार का महागठबंधन टूटने से यूपी में महागठबंधन की आस भी टूट गई है। कौशाम्बी में शिक्षा मित्रों ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद के घर का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षा मित्रों ने अपनी मांगों को लेकर डिप्टी सीएम से गुहार लगाई। फरुखाबाद की रामपुर जोगराजपुर ग्राम सभा में लगभग 80% लोगों के घरों में शौचालय नहीं बने। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधान ने बैंकों से पैसे निकाल लिए लेकिन शौचालय नहीं बनवाए। शामली में थाना भवन नगर पंचायत के ईओ ने खुले में शौच को लेकर तुगलकी फरमान सुनाया है। ईओ ने खुले में शौच करने वाले पर 250 रुपए जुर्माना लगाने का फरमान सुनाया। बागपत के पुरा महादेव गांव में हथियारों से लैस बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर मां बेटी की निर्मम हत्या कर दी। दिन दहाड़े हुए दोहरे हत्याकांड से गांव में सनसनी फैल गई। कासगंज के कोतवाली इलाके में पैसों के विवाद को लेकर दो लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। एसपी ने बताया कि दोनों के बीच पैसों को लेकर विवाद चल रहा था। कासगंज पुलिस ने फर्जी खुलासा कर निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया। फर्जी खुलासे को लेकर परिजनों और ग्रामीणों ने एसपी ऑफिस में प्रदर्शन किया और निष्पक्ष जांच की मांग की। बलिया पुलिस ने चेकिंग के दौरान 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट में शामिल आभूषण, नकदी समेत हथियार को बरामद किया। आगरा में ट्रैक्टर और टैंकर की भीषण टक्कर में 5 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 3 दर्जन लोग घायल हो गए। गोरखपुर में नाग पंचमी के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में 2 दिवसीय विराट दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दंगल में 300 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।